उत्तर प्रदेश की संगम नगरी इलाहाबाद का नाम 444 साल बाद एक बार फिर से बदलने जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखे जाने की घोषणा की है। दरअसल पुराणों में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही था, लेकिन अकबर के शासनकाल में इसे बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक अकबरनामा, आईने अकबरी व दूसरे मुगल कालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से पता चलता है कि अकबर ने साल 1574 के आसपास प्रयागराज में किले की नींव रखी थी, जिसके बाद अकबर ने यहाँ नया नगर बसाया और नाम दिया इलाहाबाद। उसके पहले तक इस जगह को प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। रामचरितमानस में भी इलाहाबाद को प्रयागराज कहा गया है। संगम के जल से प्राचीन काल में राजाओं का यहाँ अभिषेक होता था, इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। तो वहीं बताया जाता है कि वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। इसके साथ ही जब भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो वहाँ प्रयागराज का ही जिक्र आया था। वहीं सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण के 102 अध्याय से लेकर 107 अध्याय तक में इस तीर्थ के महत्व का वर्णन है। उसमें लिखा गया है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहाँ गंगा और यमुना बहती हैं।